डबल इंजन की सरकार, साम दाम दंड भेद, सत्ता का दुरुपयोग, प्रलोभन, डराना धमकाना, ट्रांसफर की धमकी देना, ये सारी चीजें करेगी। वो सारी चीजें हमारे संज्ञान में है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता न डरने वाला है, न भयभीत होने वाला है। किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है। राजस्थान कांग्रेस ने उपचुनावों में बिना गठबंधन मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उपचुनाव में हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम सातों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल सोमवार को कांग्रेस वॉर रूम में सातों सीटों पर पैनल तैयार करने और गठबंधन के मुद्दे पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जोली, पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और तीनों सह प्रभारी सचिव भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सातों सीटों पर पूरी तैयारी है, हमने सातों सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल तक तैयार कर लिए हैं और सातों सीटों पर अलग अलग उम्मीदवारों के पैनल भेजेंगे और उसकी चर्चा कर ली है। और उसके अलावा और क्या कुछ कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने, जरा सुनिए। सचिन पायलट जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे, वो विदेश गए हैं, वो नहीं आए। उनसे टेलीफोनिक बात हुई, सब लोगों ने चर्चा की है, टिकटों पे भी चर्चा की है, जो पार्टी हाईकमान को रंधावा साहब के मार्फत से हमें भेजना है, जो किस तरीके से उपचुनाव की रणनीति के तहत हमको चुनाव लड़ना है, किन लोगों को वहाँ पर ड्यूटी लगानी है, कैसे कैसे वहाँ पर व्यवस्थाएँ करनी हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, साम दाम दंड भेद, सत्ता का दुरुपयोग, प्रलोभन, डराना धमकाना, ट्रांसफर की धमकी देना, ये सारी चीज़ें करेगी। वो सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता न डरने वाला है, न भयभीत होने वाला है। और जनता के मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी 10 महीने से लड़ाई लड़ रही है और इससे पर्ची सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो हमने ये सारी रणनीति बनाई है और पहले से हमने सीनियर कोऑर्डिनेटर बना करके, चुनाव इलेक्शन प्रभारी बना करके, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बना करके, अग्रिम संगठनों ने अपनी इंचार्ज बना करके हमने पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रमुख नेताओं से सबसे चर्चा की है, सातों में भंवर जितेंद्र सिंह जी, सीपी जोशी साहब, हमारे तीनों एमपी साहिबान मुरारी लाल मीणा जी, हरीश जी, हमारे ब्रिजेंद्र ओला जी, और बाकी सीटों पे भी तमाम जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जो जिम्मेदार लोग, जो सीनियर ऑब्जर्वर वहाँ गए, उन सबसे चर्चा करने के बाद में हमने एक रणनीति बनाई है। और उस रणनीति के तहत इस 10 महीने में इस राजस्थान का जो बेड़ा गर्क करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार ने किया है, वो लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। केंद्र सरकार की 10 साल की विफलता लेकर के जाएंगे। हमारी सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना जैसी योजना, उससे लोगों को राहत मिल रही थी, गरीबों को, वो सारी की सारी इन्होंने बंद कर दी है, केवल समीक्षा के नाम से और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की धमकी के आधार के ऊपर ये लोग बाग राज करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार इनके सब जगह व्याप्त हो गया है और जितने भी ट्रांसफर हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ये सारी जनता जान चुकी है। जनता ये कह रही है सरकार चला कौन रहा है, चल कहाँ से रही है, इसका कंट्रोल कर। एक उदाहरण देकर के मेरी बात समाप्त करूँगा कि करीब करीब 40 करोड़ रुपए इस विदेश यात्राओं के ऊपर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर 40-50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एक रुपये का इन्वेस्टमेंट ये लेकर के नहीं आए। पहली बार देखा है कि कोई विदेश जा कर के न्योता दे करके आता, उसके ऊपर स्वागत कराता है और मुख्यमंत्री के स्वागत में 50 लोग नहीं आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इस तरीके का अपनी पिकनिक, सैर सपाटे और पर्यटक बन करके विदेशों में घूम करके राजस्थान के लोगों की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब इस उपचुनाव में जनता देने जा रही है। एक बात आप और पूछोगे,
हम सातों सीटों के ऊपर हमारी तैयारी है, हमारे कैंडिडेट हमने तय कर लिए हैं, बात कर ली है, जो भी आलाकमान को हम प्रस्तावित नाम भेजेंगे, पैनल भेजेंगे, उस पर चर्चा कर लिए। किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है, हम सातों जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी हम लोग क्लियर करना चाहते हैं।